शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। प्राचीन भारत, भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उनकी हम चर्चा करेंगे। वन लाइनर आप नोट्स बनाते हुए चलिए, कोशिश करिए कि वीडियो देखने के साथ साथ एक कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। बात करें अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो भारतीय सभ्यता, आप कहेंगे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करें, तो पहले ही बता दें, देखिए आपको क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, नोट्स करते रहिएगा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को, बाकी सुनने से भी चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मत्स्य पुराण में भारत के कितने भाग बताए गए, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 9 भाग। मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं, इसमें आपका इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, त्र आइंस्तिमा, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुष और सागर। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि किसने भारत को जम्बूद्वीप कहा है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैनियों ने भारत को जम्बूद्वीप कहा है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये आपके इतिहास की बात है और इतिहास का मतलब ये है कि जीके जीएस इसी से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं। साइंस हो गया इसी में आपका, संविधान से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपको कराने का हम प्रयास करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करते हुए चलिए, जो फालतू की चीज़ें हैं वो आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट मिली कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। किसने भारत को जम्बूद्वीप कहा है, तो जैनियों ने। अब इसमें जो है भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसे मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में आप देखेंगे इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा धार्मिक और लौकिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं धार्मिक और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ जाता है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है, यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बनता, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है वेद क्या है। तो ये भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, ऑप्शन में वेद हो, मंडल हो, कुछ और ग्रंथ के नाम दिए हो, तो आप क्या उत्तर करेंगे, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, ठीक है। अच्छा, वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वेदों से ही उपलब्ध होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया है कि वेदों की संख्या कितनी है या कौन सा वेद नहीं है, मतलब तीन वेद से ऑप्शन दे दिए, एक और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए वेदों की संख्या कितनी है, चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इन चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद जो है भारतीय आर्यों की न की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। किसने की थी इसकी रचना, तो आर्यों ने की थी, कहां, पंजाब में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र, 1,028 सूक्त तक है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। सबसे ज्यादा किसमें है, तो आपको ध्यान रखना ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10, इतने अष्टक है 8, मंत्रों की संख्या 10,600 और सूक्त कितने, अगर आपसे पूछे 1,028। पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, ऋग्वेद का रचना काल यहाँ पे दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है, तो सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन, 1ला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी, तो 5 शाखाएं हैं, शाकल, आश्व, लायन, मांडव्य, संखायन एवं बाष्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न बना है आपकी परीक्षा में, आया है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में,
कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं, अगर आपसे पूछ ले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आप क्या उत्तर करेंगे? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है, हर लाइन में आपका प्रश्न छिपा हुआ है। अगर आप क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संग्रह किस वेद में मिलता है। ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। उत्तर तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपको पता होगा, वरना आप तुक्का लगा करके चले आएंगे। तो ध्यान रखना है अब आपको यहां से कि सामवेद में, पहली बात तो सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र का उच्चारण होता है उनका वर्णन किसमें है, बताइए? सामवेद में। सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 1549। इनमें मात्र 78 ही नहीं है, बाकी की कहां से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। वीडियो कैसा लगा, पॉइंट कैसे लगे आपको, यहां पे कुछ नया आपने सीखा हो तो एक लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि कहां से क्या पढ़े। तो कुछ कुछ यहां पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे प्रश्न 99% आने की संभावना, अगर आप डेली ये सीरीज फॉलो करते हैं तो। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ऐसे ही पाठ हम आपके लिए लाते रहेंगे, वरना फिर हम वही प्रैक्टिस जो आपको कराते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर वही कराएंगे, क्योंकि फ़ायदा क्या है इतनी मेहनत से गला चीख चीख के रिकॉर्ड किया जाए, अपलोड किया जाए, फिर आप लोग देखें ना। अब यहाँ पे आप चार पॉइंट देख पा रहे होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया, तो होता, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु, ऐसे ही ब्रह्मा कहा गया अथर्वेद के पुरोहित को, ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विशेष। अब अगले पॉइंट की बात करें तो सामवेद में मुख्यतः सूर्य के संस्तुति के मंत्र हैं, और इस वेद की कितनी शाखाएं? तो तीन शाखाएं, जैमिनी, राणायनी और कौथुम। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये एकमात्र ऐसा वेद है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। तो यजुर्वेद आपको यहीं से नोट कर लेना इस चीजों को, इन चीजों को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है? हालांकि यहाँ पे तो खैर लास्ट में लगा है यजुर्वेद, आप पहचान जाएंगे कि ये यजुर्वेद के ही दो भाग है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं कौन कौन सी? मानदंडी और कर्ण। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि वाज स्नेही संहिता किसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं के रचयिता वज स्नेही के पुत्र कौन है? याज्ञवल्क्य है, इसलिए इसको हम वाजनेही संहिता भी कहते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारी देखिएगा। यहाँ पे अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंधविश्वास का वर्णन या अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? ये अथर्ववेद। कितने मंडल है इसमें? तो 20 मंडल है, 731 ऋचाएं हैं, 5987 मंत्र हैं। बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया किस वेद में? तो अथर्ववेद में। अब यहां से एक और प्रश्न बन रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उत्तर तभी कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांत की संख्या कितनी है। आपने उपनिषद तो पढ़ा है कि 108 है, लेकिन वेदांत नहीं जानते हैं, तो आप जान चुके हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कि उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है और इसी को वेदांत कहते हैं। तो आपसे अगर उपनिषद पूछे संख्या कितनी, तो 108, वेदांत पूछे तो 108 ही। कुछ यहाँ पे उपनिषदों के नाम भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर, बहुत पहले खूब पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है ये, ठीक है? आरण्यक क्या है? तो अब आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आरण्यक है क्या? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें किसका वर्णन है? तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने की के निमित्त की गई, ठीक है?
वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि कराने में सहायक थे। अब यहाँ पे वेद के पैर किसको कहा गया? छंद को। वेद के हाथ कल्प, वेद की आंखें ज्योतिष, वेद के कान निरुक्त, शिक्षा जो है क्या है? वेद के नाक। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, वेद के अंग और उसकी विशेषता क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, 18 है। अगर आपसे पूछ ले कि पुराणों की रचना किस शताब्दी में की गई, तो आपका उत्तर क्या आएगा? तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में पुराणों की रचना की गई। एक और चीज, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र, क्या नाम है इनका? उग्रश्रवा। इनको पुराणों के रचयिता माना जाता है। रामायण और महाभारत के बारे में आप सभी लोग कुछ कुछ जानते होंगे, कुछ और जानकारी यहां से आप देख लीजिए। पहली बात तो रामायण, इसकी रचना को किसने की? वाल्मीकि द्वारा। 6000 श्लोक थे जो बाद में 24000 हो गए, इसीलिए इसको चतुर्विंशद, 24000 को संस्कृत में चतुर्विंशद, और इसीलिए चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से महाभारत, महाभारत की रचना कब की गई? चौथी शताब्दी में, ठीक है। और रामायण की दूसरी शताब्दी में। दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, रामायण की रचना दूसरी शताब्दी, महाभारत की रचना चौथी शताब्दी। किसके द्वारा? महर्षि व्यास के द्वारा। प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई? 24000। फिर इसके बाद इनकी संख्या श्लोकों की 1,00,000 हो गई, इसलिए इसको क्या कहा गया? सत्य सहस्त्री संहिता भी कहा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है, आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इस साहित्य की रचना इसी पूर्व छठी शताब्दी के आसपास की गई थी, और सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र क्या है? ऐसे सूत्र जिसमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। षट दर्शन क्या है? तो उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया, जिसे ही षट दर्शन या खड दर्शन कहा जाता है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनुस्मृति है, प्रश्न पूछा गया। धर्मशास्त्र क्या है? वेदांगों और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, तो धर्मशास्त्र और स्मृति एक ही बात है, ठीक है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे? वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? मनुस्मृति। मनुस्मृति के भाष्यकार हैं यहाँ पे मेघातिथि, भारुचि, कुल्लूक, भट्ट तथा गोविंद राय। छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं उनको आप नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था यूपी टेट में, ठीक है। कौटिल्य चाणक रचित अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य जो है इनकी रचना है अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी इन्हीं के ग्रंथ से प्राप्त होती है। एक और क्वेश्चन है, ये वाला आया था कल्लड़ वाला, पेपर उठा के देखिए यूपी टेट का। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्लड़ द्वारा विरचित राजतरंगिणी का है। तो राजतरंगिणी किसकी है? कल्लड़ की है। ऐसे आप प्रश्नों को याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गार्गी संहिता, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट का हर्षचरित, वाक्पति का गौड़भड़ो, विल्लड़ का विक्रमांक, ये सब रचनाएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है। अब आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आपको मिल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वन डे एग्जाम स्टडी सभी कंपटीशन एग्जाम की ऑनलाइन वीडियोज प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, जिसमें हम आगे प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, जिससे हर बार हर परीक्षा में प्रश्न आए हैं, इसके बाद कुछ प्रमुख धर्म जैसे जैन धर्म हो गया, ठीक है, और ऋग्वैदिक काल, इनकी सबकी चर्चा करेंगे डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट। जैन धर्म है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जूम करें तो हम इसको, इसके संस्थापक कौन है, पहले संस्थापक कौन है, कितने तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक क्या है, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे तो आप सबको याद रहता है, हम आपको सारे
जितने भी हुए हैं तीर्थकर 24वों को नाम बताएंगे और इनका प्रतीक बताएंगे और इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में इनकी कुछ रचनाएं विशेषताएं अष्टांगिक मार्ग शैव धर्म क्या है इसके संस्थापक कौन है वैष्णव धर्म इस्लाम धर्म सभी की डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। सुपर टेट के लिए ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त करने हैं या फिर नहीं तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर करिएगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।